मदर इंडिया अपने बेटे को गोली मार देती है क्योंकि बेटा गांव के साहूकार के बेटे को किडनैप करके ले जा रहा था। मदर इंडिया का निशाना इतना कमाल का कैसे था? मदर इंडिया ने जो गन यूज करी है उसे कोच गन कहा जाता है, जिसे आपने इंडियन पुलिस के पास खूब देखा होगा, जिसमें 12 बोर के कारतूस यूज करे जाते हैं। फिल्म में डाकुओं के पास भी यही गन होती है, शायद वो पुलिस की ही लूट लेते थे। 12 बोर के कारतूस में छपरे भरे हुए होते हैं और जब उन्हें फायर किया जाता है तो एक रेंज के बाद, जो कि 100 मीटर के आसपास होती है, और ये याद रखिएगा मदर इंडिया 1957 की फिल्म है, उस टाइम के कारतूस और आज के 12 बोर के कारतूस में बहुत फर्क होगा इन टर्म्स ऑफ टारगेट एक्यूरेसी एंड रेंज। गन फायर के बाद 12 बोर कारतूस के छर्रे एक पॉइंट के बाद फैलना शुरू हो जाते हैं, मतलब टारगेट एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। मदर इंडिया ने बंदूक पहली बार पकड़ी है अपने हाथ में और उसका निशाना बुलजाए, कमाल की निशानेबाज है मदर इंडिया। कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर निशाना साध पाना निशानेबाजी में सबसे मुश्किल काम है, पर मदर इंडिया के लिए नहीं। जिसने कभी निशानेबाजी की प्रैक्टिस नहीं करी, मुझे नहीं पता कि एक अच्छा निशानेबाज कितने दिन की प्रैक्टिस के बाद बन पाता है कोई, पर मदर इंडिया ने यह काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर दिखाया, थैंक्स टू राइटर, क्योंकि लिख के तो कुछ भी शूट किया जा सकता है। राइटर ने लिख दिया तो अनाड़ी निशानेबाज भी अर्जुन हो जाता है और मछली की आंख भेद देता है। बेटा सरपट घोड़ा दौड़ाए लिए जा रहा है और मदर इंडिया ने बंदूक का घोड़ा दबाया और दौड़ते घोड़े पर बैठे बेटे को मार गिराया। आउट ऑफ रेंज वेंज के लॉजिक में यहाँ नहीं पड़ना है, माँ ने बेटे को मार दिया ये इम्पोर्टेंट है। बेटा दे सकती हूँ, राज नहीं दे सकती। इंडियन फिल्म मेकर्स के दिमाग में ड्रामा मेलोड्रामा इस कदर हावी रहता है कि वो लॉजिक्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारी इंडियन फिल्म्स में साइंटिफिक टेक्निकल डिटेल्स पर तो और भी कम ध्यान दिया जाता है, फिर वो चाहे मदर इंडिया जैसी ग्रेट फिल्म ही क्यों ना हो। और इसका चरम ये निकला कि 1980s आते आते फिल्म्स की क्वालिटी इस कदर गिर गई, फिल्म इंडस्ट्री इस कदर नुकसान में जाने लगी कि ये कहा जाने लगा कि वो कभी भी बंद हो सकती है। और आज भी कुछ फिल्म्स को छोड़ के अनाड़ी निशानेबाज ही बुलजाई हिट कर रहे हैं।